आज शाम को तुम हिंदुस्तान के लिए निकलोगे। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हमारा एक भिक्षु है जिसकी हांगकांग में शिपिंग कंपनी है, वो तुम्हें कलकत्ता पहुंचा देगा बिना पासपोर्ट के। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? इन्होंने लोगों को दुख दर्द से आजाद करने के लिए मोक्ष और निर्वाण ठुकरा दिया था, और एक मैं हूं जो अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग रहा हूं। कब तक भागता रहूंगा मैं? कब तक ये जलील बेमतलब की जिंदगी को अपने कंधों पे लेके छुपता फिरूंगा? और फिर क्या करूंगा जिंदगी का? किसी और मलिक का कुत्ता बनकर उसके आगे पीछे दुमिलाता फिरूंगा बस? सूद, जब आलिया के बाप ने मेरे सीने पे बंदूक तानी थी ना, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए सामने से हट गया था। मैं बच गया लेकिन वो नहीं बची, और मैं देखता रहा। आज भी वही कर रहा हूं, मैं कायरों की तरह छुप रहा हूं, भाग रहा हूं, लेकिन कब तक भागता रहूंगा मैं? कहां भागूंगा मैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां उसकी आवाजें मेरा पीछा नहीं करेंगी? मैंने तय कर लिया सूद, मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तय कर लिया। लेकिन शिवम, तुम यहां रहोगे तो मलिक के लोग तुम्हें ढूंढ के मार डालेंगे। इसी मौत के डर से मरने से पहले मर गया था मैं। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। पूरी तरह जीने के लिए किसी के लिए तो मरना पड़ेगा। रीमा और बिलाल को मिलाए बगैर मैं मरूंगा नहीं। इस गुलाम को आजादी तभी मिलेगी जब वो इन दोनों को आजाद करेगा। चल बैठ अंदर, फिलहाल बैठ अंदर। करम, get him.
सोच क्या रहा है? मार दे मुझे, चला गोली। ये हाथ इतने भी नहीं बदले जितना तू बदल गया है कबीर। मैं जाकर भी तुझ पे गोली नहीं चला सकता। मुझे जिंदगी से रिहा कर दे यार, चला गोली। मैंने अपनी दोस्ती तोड़ी है, प्लीज मार दे मुझे। इस दोस्ती में जो भी फैसला करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं, समझ गया तू? हाँ, और मैं कहता हूं कि तू जिएगा और मेरी मदद करेगा। इस लड़के को सिद्धार्थ सूद के मंदिर लेके जा और मेरा इंतजार कर, मैं रीबा को लेकर वहां आऊंगा, समझ गया तू? कबीर बोल, तू ये करेगा हाँ या ना? तू कहे तो तेरे लिए अपनी जान दे दूं। नौटंकी साला, लड़की जैसा रोता है, चल जाए ऐसे। और बता, रीमा कहाँ है? वो सिर्फ राजन और मुन्ना को पता है। उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है, तू उसके लिए मरने के लिए तैयार है? क्या है ये रीमा? इन लड़कियों से अच्छी है क्या तू? ऐसा मैं तेरे को बताता है कि वो किधर है। तू ले गया, तू साली को इधर ले गया, इधर ले गया उसको, मैं चखेगा उसको। किसको चखाएगा मैं? अक्का हम को चखाएगा मैं? उसके बाद क्या? मुझे बदमा, मुझे कुछ नहीं पता, मुन्ना को ही पता वो कहां पे है। मुझे बदमा, मुन्ना को फोन कर। अबे साले इतने हाइपर मत बन, पहुंच रहा हूं मैं, लगा रहा हूं गाड़ी को। हाँ बोल, पहुंच गया। कहाँ है तू? अबे साले कितने बार समझा मैंने डैड को छोड़ के मेरे पास आने के लिए, पहुंच गया मैं पार्किंग लॉट पे, कहाँ है तू? भाग, निकल यहां से।
तुझे कोई खास अफसोस नहीं होगा फिर भी बोल देता हूं, मैंने तेरे बाप को मार दिया। तुझे जाना चाहिए अपने बाप की अर्थी को कंधा देने, जाना है ना? जा, लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना बता दे कि मलिक ने रीमा को कहां रखा है। मलिक अंकल के मकाव वाले मकान में। थैंक यू। बड़ी गलती की तूने, मेरे से लफड़ा करके बहुत बड़ी गलती। मलिक अंकल को तेरे को जिंदा देखने का है। मैं तेरे को मारने वाला हूं। मार। वाओ। माय नेम इज प्रिंस। या एंड आई एम फंकी। मरने से पहले एक सीक्रेट सुनेगा? हाँ, सीक्रेट सुनेगा तू? तेरी रीमा मलिक अंकल की चंकिंग मैंशन में है और वहां वो नीलाम होने वाली है और हम सब सारे मिलके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, टाइम्स अप, रेडी टू डाई? थैंक यू, थैंक यू। हेलो शिवम भाई। बिलाल। शिवम भाई, सारा इंतजाम हो चुका है। तुमको दोनों पासपोर्ट्स मिले? जी, कबीर ने दोनों पासपोर्ट्स मेरे हवाले कर दिए। अब आप आगे बताइए। बिलाल, तू हांगकांग डॉक्स पहुंच। मेरी माँ को लेकर वहां आ रहा हूँ। शिवम भाई, नहीं शिवम भाई, वो लोग आपको मार देंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन। मेरा तुझसे वादा है कि तुम दोनों ईद अपने मुल्क में मनाओगे। नहीं शिवम भाई, आप मत जाइए। शिवम भाई, शिवम भाई, वो लोग। शिवम, कहाँ है तू? हेलो हेलो शिवम, कहाँ है तू? हेलो हेलो शिवम, हेलो। मुझे जिंदा रख, थोड़ी सी जिंदगी और दे दे। अपने लिए नहीं, तुम्हारे उन जाने वालों के लिए। बहुत गुनाह किए हैं मैंने, सवा पाने का बस एक ही मौका है।